अच्छा अभी तीन परफॉर्मेंस हम लोग ले रहे हैं जो कि फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ आए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम समझ के ही उनको तीन लोगों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए 15 जनवरी रखा हुआ है फुल डे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके बिचारी है विदिता गणेश। इधर आओ, बताइए आप 15 को क्यों नहीं है, सबको बताइए। मेरा एक्चुअली जी सारेगामापा में सिलेक्शन हो गया इसलिए। आइए अभी गाना सुन लेते हैं इनका। आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है, मुझे तो अच्छा लगा परफॉर्मेंस। और ये हमारे लास्ट जो कॉन्टेस्ट हुआ था आरएफसीएम आइडल 3, उसमें भी ग्रैंड फिनाले तक पहुंची थी, और तभी थ्रोट इन्फेक्ट हुआ था आपका ग्रैंड फिनाले में, लेकिन अभी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है इसमें। थैंक यू। चलिए सर, सर के भी कमेंट्स सुनते हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने बताया था उस सभी प्रॉब्लम्स को तुमने ओवरकम करने की कोशिश की है। थैंक यू। सांस लेने कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, राइट, आसान हो रहा है ना अभी? हाँ, क्योंकि वो हरकत जो है वो आ नहीं रही थी उस टाइम, मैंने देखा था जब मैंने सिखाया था, अभी पॉलिश हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। काफी बढ़िया है आपको यहाँ के लिए भी और सारेगामा के लिए भी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नवी मुंबई आवाज और आरएफसीएम की तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, नवी मुंबई का नाम रोशन करना। क्या बात है।
मैंने काफ़ी अच्छा गाना गाया, तो आपको जो सिलेक्शन हुआ तो बराबर ही है जी के लिए, क्योंकि यू आर बोलते ना आप अचीव करते हो पोजीशन। थैंक यू। तो अभी हमारे नवी मुंबई का नाम रोशन करना और वो भी जीत के आना वहाँ पे। हाँ, ट्राई करूंगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आइए अगले कंटेस्टेंट हमारे बीच आ रहे हैं, मीनाक्षी मिश्रा। आपको कैसे पता चला, आप अभी फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा मतलब लेट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एक महीने से प्रमोशन चल रहा है, तो आपको क्यों लगा ऐसे जाए, अभी इतने सारे कंटेस्टेंट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, मोर देन 70। सर जैसे वो सारे गमा के लिए प्रैक्टिस कर रही है, मैं राइजिंग स्टार के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरा ऑडिशन चल रहा है, और मैंने देखा है वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कैसा कैसा, मतलब कई बार जैसे वो बच्ची ने बोला था कि कई बार थोड़ी बहुत पार्शलिटी हो जाती है, जो मैंने मेरी आंखों से देखा है, चैनल वाले जो बच्चे इतना अच्छा गाते हैं उनको वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजंस लाइक। तो गाने का शौक मुझे पहले से था, और किसी वजह से ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस एंड फाइनेंशियल कंडीशंस आई वाज नॉट एबल टू परस्यू माय सिंगिंग। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है गाने सुन सुन के ही सीखा है, और कोइंसिडेंटली मेरे पास व्हाट्सएप पे किसी के थ्रू इनका आया था, मैंने इनको परसों ही कॉन्टैक्ट किया था और मैंने इनको बताया था कि सर मैंने सीखा नहीं है, बट मुझे वो एक जैसे ये बोलते हैं कि इनको सपने देखने की आदत है, मुझे भी सपने देखने की आदत है, और मेरा ये मानना जब तक आप एक सपने नहीं देखोगे आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। पूरा होना ये नहीं होना वो पर्वाधिकार के ऊपर है, लेकिन वहाँ तक उसको देखना और उस चीज़ को महसूस करना बहुत बड़ी बात है। लाइक तो मैं जब ये बच्चों को देखती हूँ तो मैंने कल इनको एक मैसेज डाला था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे गाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरा बचपन खो गया था वो उन बच्चों के सहारे मैं देख रही हूँ कि काश अगर मुझे भी वो प्रोत्साहन मिलता मेरे पेरेंट्स से, ड्यू टू सम अदर रीजंस मैं नहीं गा पाई थी। तो ग्रैंड फिनाले तक जाना ये जान नहीं जाना वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे शौक है गाने का और वो कहीं ना कहीं ब्लड में है, उसको मैं ऑल दो मैं सर्विस करती हूँ, जॉब करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि अगर भगवान ने आपको कोई चीज़ दी है तो उसकी कदर ज़रूर होनी चाहिए। क्या सुना रहे आप फर्स्ट राउंड में? लग जा गले। लग जा गले। थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है तो कोशिश ज़रूर करूँगी। लग जा गले के फे ये हसी रात हो
क्या बात है, सॉरी आवाज थोड़ी बैठी है, मुझे लग रहा है अभी आज वापस फिर एक बार कंपटीशन स्टार्ट हो रही है। ओके, कोई फिक्र नहीं, हम भी बैठे हुए हैं। ऐसा तो लगता है मोस्टली ये हमेशा डर लगा रहता है सिंगर्स को कि अरे आवाज मेरी आज अच्छी नहीं है, अच्छी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा डर रहता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है और कुछ नहीं है। आपने अच्छा गाया और अच्छे सुर लगे आपके, कुछ कुछ जगह ठीक है, लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम गा रहे हो तो वाकई में आपके सपने सच हो सकते हैं अगर आप ठान ले तो, राइट। थोड़ा रियाज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी तो जस्टिफाई है पूरा गाना मुझे तो लगा। बिल्कुल सर ने सही बताया, और आप जब बोल रही थी तब आपके आंखों की नमीज यहाँ से देख रहे थे, और वो आपने दिल से गाया और वो आवाज़ में आपके जो आवाज़ में वो छलक रहा है सर। ये लग जा गले और ए मेरे वतन के लोगों, ये दो गाने जो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। लता जी का ये जो ये सॉन्ग है लग जा गले, आप बिलीव नहीं करोगे आज के डेट पे भी मैं कम से कम दिन में एक बार सुनता हूँ और गुनगुना लेता हूँ, क्योंकि इतना प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक हमारा देश हिंदुस्तान है, एक क्रिकेट और एक फिल्म इंडस्ट्री कभी मरेगी नहीं। और जो फिल्मी गाने 1955 से लेकर 75 तक जितने भी गाने थे वो एक हमारे संगीत का बेस है। उसके बाद ही आज जितने भी राग निकल रहे, जितने भी गाने निकल रहे, मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको 55 से 75 के बीच में काफी गाने याद रहेंगे जो कि 2015 के गाने याद नहीं रहेंगे। Well said. तो आपने गाना काफी अच्छा गाया है। देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती और एक पैशन है, और आपने इसके साथ में काफी अच्छी, आपकी आवाज काफी अच्छी है। जैसे सरों ने बताया कि आपको थोड़ा रियाज करना पड़ेगा तो आप इसमें कामयाब रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज और प्लीज मैं आपको कहूंगा कि आप सीखना शुरू करें। यस सर। क्योंकि आप बहुत अच्छा, आपके वोकल्स बहुत अच्छे हैं, आप सीखना शुरू कीजिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे आपने बोला आपके दो गाने फेवरेट हैं, लग जा गले और ए मेरे वतन के लोगों। हाँ जी। तो ए मेरे वतन के लोगों ये गाना मेरा फेवरेट है, और हमारे कंपाउंड में स्कूल के टाइम की बात बता रहा हूँ, तो किसी मेरे दोस्त ने, जैसे अंकुर चव्हाण, प्रकाश लड़ित, ये मेरे दोस्त हैं एसएससी के, उन्होंने मुझे लिटरली स्टेज पे ऐसे फेंक दिया था, और उन्होंने बोला था 26 जनवरी है, ये जो गाना है ना हमें आपकी आवाज़ में सुनना है। और तब से लेकर पता नहीं, जब जब मौका मिलता है, मैंने लास्ट अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इवेंट किया था ठाणे में, वहाँ पर फरमाइश आई कि आप एंड इस गाने से करो, धनलक्ष्मी हमारे को सिंगर साथ में थी, उसका तैयार नहीं था, फिर मैंने मेल वॉइस में गाया लास्ट ऑफ भी 2 महीने पहले, तो मेरा भी फेवरेट है। हम लोग आज के प्रोग्राम का जो एंड है वो इसी गाने से करेंगे, और मैं चाहूंगा कि सारे कंटेस्टेंट स्टेज पे आए, ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ऐ मेरे वतन के लोगों गाना भी बहुत अच्छा, उसके शब्द के जो ये है वो भी अच्छा, और यहाँ पे किसी को पता नहीं मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, और अनफॉर्चुनेटली कारगिल वॉर में मैंने मेरे छोटे भाई को खोया है, तो वो गाना उस कारण भी मेरे लिए बहुत, उस गाने में जो एक एक शब्द है वो एकदम सही है कि आज अगर हम यहाँ पे सही सलामत बैठे हैं तो कुछ जवानों के कारण, क्योंकि वो दिन रात अपनी फैमिली को खो के वहाँ पे खड़े हैं, तो वो जो एहसास है वो गाने में जो बयां है, गाना तो जब लिखा था तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, बट जिस एहसास और लता जी ने जिस तरीके से गाया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक यू।